हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो ये बाकी का वर्क बचा है, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को सेट कर देना, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, स्टेप बाय स्टेप समझना। तो आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो कि मैं लेफ़्ट पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए इसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ पर ज़्यादा डार्क पोर्शन है वहाँ पर मैं थोड़ा प्रेशर अप्लाई करके उसको ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि आप वीडियो में देख भी सकते हो, और इसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दूँगा। और अब मैं इसको एक रियलिस्टिक स्ट्रक्चर देने के लिए निडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, जिससे कि रियलिस्टिक लगे। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ हो रहा है ये। तो जहाँ पर डार्क डार्क पोर्शन है, ब्लैक डार्क स्पॉट है, वहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और वही अब सेम प्रोसेस दूसरी साइड में भी, कि फर्स्ट लेयर चढ़ाने के लिए मैं इसमें मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और उसको ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दे रहा हूँ पूरे को। तो दूसरी साइड में मुझको सेम वही प्रोसेस करना है जो जो मैंने लेफ़्ट साइड में करा था। और सेकंड लेयर भी मैं मैकेनिकल पेंसिल से इसको कर रहा हूँ और ब्रश की मदद से इसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर आ रहा है ड्राइंग में। तो जहाँ पर ये ब्लैक पोर्शन है वहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके और पेपर स्टेम से उसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक और अच्छा स्ट्रक्चर आ सके ड्राइंग में। तो जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक डार्क स्पॉट हैं फेस पर, वहाँ पर मैं मैकेनिकल पेंसिल को थोड़ा फोर्स लगा के ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और निडेबल इरेजर से इसको एक रियलिस्टिक स्ट्रक्चर देने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ निडेबल इरेजर। तो आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक स्ट्रक्चर आ गया है इसका। और अब जो ये लिप्स के नीचे का पोर्शन है इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। और अब इसमें डिटेलिंग देने के लिए मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ा फोर्स अप्लाई करके जहाँ पर ब्लैक ब्लैक है थोड़ा। और मैं चारकोल पेंसिल से थोड़े जो लिप्स के नीचे की बियर्ड होती है छोटी छोटी, तो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बड़े ही आराम आराम से, जिससे कुछ मिस्टेक ना हो। इसको थोड़ा पेपर स्टेम से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और रियलिस्टिक दिखाने के लिए थोड़ा, तो इसमें मैं निडेबल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम मिलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को सेट कर देना, जिससे मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।